फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक कमेंट मेरे सरवरी बेगम का आया था, बहुत ही अच्छी हैं वो, मुझे अम्मी कहती हैं और बहुत सलाह भी लेती हैं मुझसे, और मुझे सारे बच्चे मम्मी माँ आंटी कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे से सलाह भी मांगते हैं बच्चे, और मुझे वीडियो बनाने की जो मतलब आइडियाज देते हैं वो भी मैं उनके आइडियाज लेती हूँ, बनाती हूँ वीडियो। तो उन्होंने कहा था, सरवरी जी ने, एक उनका कमेंट आया कि मैं आपको बताना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन बता रही हूँ कि आपकी वीडियो देख के मैं बहुत मोटिवेशन मिला है मुझे, और मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ बचत की वीडियो से भी। उन्होंने बहुत सारी बचत की, 50,000 की वो बोल रही है मैंने बचत की, अपनी बहू के लिए गहने बनवाए, और बिजली बिल में भी उन्होंने जहाँ 3,000 का आता था वहां 1,500 का बिल कर लिया उन्होंने, मतलब इतनी कमी कर ली बचत करके। दूसरी बात उन्होंने कही कि है ना, उन्होंने 42 साल की उम्र में सिलाई सीखी है कि वो कैसे ही छोटे मोटे अपने घर के काम कर लें तो इसमें उनकी बचत हो जाए। तो सरवरी जी, इसमें उम्र कोई ऐड नहीं आती है। मैं आपको कहूंगी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख लीजिए कोई काम। मैंने कुकिंग का जो कोर्स अभी किया था 57 साल की उम्र में किया था, और मैं सबसे बड़ी थी वहां पर। वहां लड़कियां सीखने आती थी लेकिन मैं गई थी, हालांकि मुझे एक बार लगा भी कि मैं इतनी बड़ी उम्र की यहाँ पर आ गई हूँ कितना बुरा लगेगा, लेकिन वहां पे लड़कियों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। और वैसे तो जीवन भर कुकिंग ही की है तो मुझे सब कुछ आता था, लेकिन कुछ मैंने सोचा नया सीख के आऊं, तो वहां पे मैंने कई ग्रेवी वगैरह सीखी, सब्जियों की जो ग्रेवी बनती है और काफी दिन तक कैसे उनको चला सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां सीखी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं 12 साल की उम्र से सीख रही हूँ, जब से मुझे समझ आने लगी मैं सीख ही रही हूँ। 6ठी क्लास में मैं पढ़ा करती थी, शायद 12 साल की होंगी, स्कूल जाती थी, गवर्नमेंट स्कूल थे, वहां पे एक लड़की मतलब सिलाई के काम लेकर आती थी स्कूल में, जैसे बटन लगाने हैं, ब्लाउज के आई बटन करने हैं, हुक लगाने हैं, चिक बटन लगाने हैं, कई चीजें वो लेकर आती थी, और वो मुझे मतलब सीखनी थी सब चीजें मुझे। तो मैं उसके पास बैठ के ऐसे देखती रहती। जब भी आधी छुट्टी हमारी होती, आधी छुट्टी बोलते थे उस टाइम रेसेस को, आधी छुट्टी होती या कोई 10-20 मिनट देर मैडम आती देर से, तो उस टाइम में वो लड़की ये सारे काम करती थी, तो मैं उसको देख देख के सारे काम सीख गई। मुझे शौक था सिलाई का, और मैं अभी भी सिलाई करती हूँ, और सिलाई तो बहुत ही काम आती है जीवन में। मैंने अपनी बेटियों को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बना के पहनाए, जब तक उनकी शादी हुई तब तक मैं उनको अच्छे अच्छे सूट बना के पहनाती थी, और अपने ब्लाउज भी मैं सिलती थी। अब तो नहीं सिलती हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आती है सुई पोने में, तो सिलाई तो बहुत अच्छा काम। अगर सरवरी तुम सिलाई सीख रही हो तो बहुत ही अच्छा काम है ये, और अपने बच्चों की सिलाई है या घर की कई चीजें होती है। मैंने इतनी मम्मी के लिए भी, मतलब मेरी मम्मी के साथ मैं जब रहा करती थी कुंवारेपन में, सोफा बैग बनाने हैं, कुछ भी चीज बनानी होती, तकिया कवर है, कुशन कवर है, कोई भी चीज मम्मी बस बता देती थी, और पुराने कपड़ों को यूज करवाती थी मम्मी, बहुत ही होशियार थी मेरी मम्मी। तो वो मुझे पुराने कपड़े देती और कहती बेटा इसको ऐसे काट ले, इसको ऐसे काट ले, और इसकी ये चीज बना ले, इसकी वो चीज बना दे। तो मुझे तो शौक था, मैं फटाफट बना देती कटिंग करके। पेटीकोट मैंने अपने पापा से सीखा था, मेरे पापा पेटीकोट बहुत अच्छा कलियों वाला पेटीकोट काटते थे, तो वो मैंने अपने पापा से सीखा। फिर हम जोधपुर में रहने लगे तो जोधपुर में हमारी जो मकान मालिक थी वो हमारे घर आया करती थी, देसी थी, तो वो एक दिन वो भी सिलाई करती थी और हमारे कपड़े भी वो भी सिला करती थी। तो एक दिन वो हमारे घर में ही सलवार की कटिंग करने के लिए लेके आए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सलवार सिखा दीजिए आप, तो उन्होंने मुझे सलवार काटनी सिखा दी, तो मैंने ऐसे सलवार सीख ली। कुर्ते को मैं कुर्ते के ऊपर मतलब कपड़े के ऊपर कुर्ता रख के काट लेती हूँ, और पहले भी काट लेती थी, तो इस तरह मैंने सलवार कुर्ते जो सीखे वो मेरे जीवन में इतने काम आए, इतने काम आए, क्योंकि मेरी बेटियों को मैं पहनाती थी, उस टाइम सलवार सूट चलते थे।
तो ऐसे छोटी 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 चीजें मैंने सबसे सीखी। तो सीख लेना चाहिए किसी से भी, ये नहीं सोचना है कि छोटा है या बड़ा है। मैं तो मेरे दोएता दोएती से भी मोबाइल चलाने में सब कुछ सीख लेती हूँ, इंग्लिश भी सीखती हूँ उनसे मैं, वो मुझे ऑनलाइन इंग्लिश भी सिखाते हैं, तो मैं तो सीख लेती हूँ, अभी सीखती हूँ इंग्लिश उनसे। इंग्लिश मेरी कमजोर है थोड़ी, तो उनसे सीखती हूँ मैं, तो वो सिखाते हैं मुझे दोनों ईलू अथक। तो सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख लीजिए, एक बार जीवन मिलता है उसमें सब कुछ सीखिए और अपने काम लीजिए। जो भी आपको शौक है उसे सीखिए आप और अपने जीवन में काम लीजिए। तो ये चीज तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सिलाई इस उम्र में सीखी। तो कोई सीखने की उम्र नहीं और आप कोई खास बड़ी नहीं, 42 साल कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। हमें देखिए, मैं तो 63 साल की हूं और मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाने सीखे, रेसिपीज वगैरह की मुझे शौक था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ये सीखे मैंने अपने बच्चों से सीखे। मुझे कुछ नहीं आता था, मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने अपने बच्चों से सीखा सब। तो मैं अभी भी अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूंगी, तीनों बच्चों का, प्राची शिप्रा और मेरे बेटे क्षितिज का, कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया मोबाइल में और मैंने उनसे सीखा क्योंकि मुझे शौक था। तो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगी। मेरी मम्मी कहा करती थी, उन्हें थोड़ी थोड़ी सिलाई आती थी, थोड़ी कढ़ाई आती थी, थोड़ी बुनाई आती थी, उन्होंने मुझे सब सिखाया। उन्होंने कहा मुझे जो आता है बेटा मैं तुमको सब सिखाऊंगी, तो उन्होंने सब सिखाया। उसके बाद मैंने अपना और डेवलप कर लिया, जो भी मुझे सीखना था, जैसे मुझे डिजाइनें सीखनी होती थी स्वेटर में, तो मैं डिजाइनें इधर उधर से कहीं से भी सीख लेती। कोई और काम सीखना होता, ब्लाउज बनाने, उन्हीं ब्लाउज भी बनते हैं, उन्हीं मोजे भी बनते हैं, उन्हीं जूते भी बनते हैं, हर तरह की चीजें मैंने सीखी अपनी उम्र में। किसी से भी सीख लेती थी, जिसको भी जो चीज आती मैं जाकर सीख लेती थी या मेरे पास आया करते। ज्यादातर मेरे पास ही लोग आते, मैं किसी के यहाँ जाती नहीं, मेरे पास बातें करने पड़ोस में भी आती थी, या पीहर में थी तो वहां पे लड़कियां आ जाती थी मेरे पास, तो मैं उनसे कुछ सीख लेती थी। तो कोई सीखना चाहता था तो उन्हें सिखा भी देती थी। तो सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और सीखना चाहिए हर चीज, जीवन एक बार मिलता है तो जरूर सीखिए। आप कोई भी, आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, आपको जो भी शौक है उसके लिए उम्र का ना सोचे और सीखिए जरूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।